ध्यान दे रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने सैलेड लिया था और अपने नए सफ़र की तरफ निकल गई थी। नया सफ़र मुझे कहाँ ले जाएगा वो तो आपको वैसे वीडियो के टाइटल में पता चल गया होगा। तो चलिए फिर मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रही है। तो मैं चलते चलते यहाँ पहुँच गई और ये सामने ना मुझे प्रेम मंदिर दिख रहा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और दिखाती हूँ। ओह, तो जिस मंदिर को मैं प्रेम मंदिर समझ रही थी वो चंडी माता का मंदिर है। तो इस मंदिर में माथा टेका मैंने। ये जो मंदिर है ये चौपाटी के बिल्कुल सामने है, चौपाटी जहाँ आपको हर तरह का स्ट्रीट फूड मिलेगा। उसके बाद मैं चल पड़ी प्रेम मंदिर की ओर जो कि जस्ट इसके बगल में ही था। तो ये देखिए, आपको प्रेम मंदिर नज़र आ रहा होगा। मैं प्रेम मंदिर पहुंच गई हूँ, बाहर से ऐसा है कुछ दिखने में। तो अब हम एंट्रेंस की तरफ जाते हैं। तो ये रही प्रेम मंदिर की मेन एंट्रेंस। दिखने में ये भी भव्य महल जैसा लग रहा है, बाहर से ऐसा है, अंदर से कैसा होगा वो हमें अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। तो एंट्रेंस में ही फीमेल्स और मेल्स के लिए अलग अलग लाइंस रहती हैं जिसमें वो चेकिंग करवा के अंदर जाते हैं। और आप रश देखिए यहाँ पे भी कितना ज़्यादा है, हर जगह मुझे बहुत ज़्यादा रश मिल रहा है। लेट्स सी अब अंदर क्या होता है। और ये मैं अंदर पहुँच गई हूँ। अंदर देखिए कितना ज़्यादा रश है और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। मंदिर के अंदर आने की कोई टिकट नहीं है, आप इस मंदिर को फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। और ये रहा मंदिर, ये भी महल जैसा है, भव्य महल जैसा, पूरा वाइट कलर का, सुंदर लग रहा है बहुत। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है आगे। सभी गार्डन है ना साथ साथ में ही हैं और इनमें इतने सुंदर सुंदर स्टैचूज बने हुए हैं ना कि क्या बताऊं। और हाँ, साफ़ सफाई का बोलूं तो एकदम अच्छे से ध्यान रखा गया है साफ़ सफाई का। ये सामने वॉशरूम्स है, वॉशरूम्स भी इतने नीट एंड क्लीन है ना, मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ के वॉशरूम्स इतने नीट एंड क्लीन है। तो ये यहाँ से वॉशरूम के बाहर का ये एरिया है, तो यहाँ से मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है। तो जब आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, बाहर आपको ये वाला गार्डन और सामने गोवर्धन पर्वत नज़र आएगा। सिंपल शब्दों में कहे तो जो ये प्रेम मंदिर है ना, इसमें श्री कृष्ण जी के बाल रूप से लेकर उनके बड़े होने तक जो जो उन्होंने किया वो यहाँ आपको हर गार्डन में नज़र आएगा। और ये सामने मंदिर है, अब मंदिर में लाइट्स ऑन हो गए हैं, सुंदर लग रहा है। और भीड़ देखिए कितनी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था तो मैं मंदिर के अंदर नहीं गई और टाइम भी नहीं था क्योंकि मुझे मथुरा वापस निकलना था। तो शाम का वक्त जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे ही ना सारी लाइट्स ऑन हो रही थी। और लाइट्स ऑन होने के बाद ये मंदिर कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट्स ऑन होने के बाद मंदिर और मंदिर के आसपास का जो एरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप कभी प्रेम मंदिर आते हो, आप दिन की बजाय है ना शाम में मंदिर आओ, क्योंकि लाइट्स के साथ है ना ये मंदिर और भी खूबसूरत लगता है। इस मंदिर की एक ख़ास बात है कि थोड़ी थोड़ी देर में ना इसका कलर चेंज होते हैं जो कि आपको आगे ना वीडियो में दिखेंगे। जाके आप पूछ लो कि आप कौन सी कंट्री से हो, तो मैंने कहा नहीं मैं इंडिया से ही हूँ, मैं JNK से आई हूँ। फिर उन्होंने मेरे साथ पिक्चर ली। तो मैं ना मंदिर से बाहर आ गई हूँ और देखिए बाहर भी कितनी ज़्यादा भीड़ है और अंधेरा भी हो गया है। अब मैं चौपाटी के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। मैंने वृंदावन की जितनी भी वीडियो जितने भी ब्लॉग देखे थे उसमें चौपाटी का जितने बहुत किया था, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ ट्राई करती हूँ चौपाटी से, फिर आपको बताती हूँ कि ये खाने लायक है या नहीं। चलो
चलते हैं। अब मैं चौपाटी से खा पी के बाहर निकल गई हूँ। चौपाटी में मैंने क्या खाया, वहाँ का कैसा टेस्ट था, उसका एक अलग वीडियो आएगा। तो आते टाइम में ना मैंने एक शॉप पे ना लहंगा देखा था, मैं सोच रही हूँ उसे लेने के लिए क्योंकि मुझे ना सुंदर लगा, तो भी मैं फ़िलहाल वहाँ जा रही हूँ। ये रही शॉप जहाँ से मैंने लहंगा देखा था, तो मैं उस शॉप से बाहर वापस आ गई हूँ क्योंकि कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी बट उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बोल रहे थे। तो मैं कोई बस ऑटो टैक्सी ढूंढती हूँ जिससे मैं मथुरा जा सकूँ। बस तो मुझे मिली नहीं और टैक्सी वाले वो तो कुछ ज़्यादा ही हाई रेट बोल रहे थे, तो फाइनली मुझे एक रिक्शा मिल गया जो मुझे मथुरा पहुँचा देगा। और मुझे उस रिक्शा में ना एक क्यूट कपल भी मिला। तो मैं अब मथुरा पहुंच गई हूँ। रिक्शे वाले ने मुझे जन्मभूमि के पास उतारा, तो मैंने ना जन्मभूमि के पास भी ना बहुत सारी शॉप्स देखी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो वहाँ से थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो जब आप जन्मभूमि में एंटर करोगे, ये शॉप्स है ना लेफ्ट साइड पे है और ये स्टार्टिंग से थर्ड शॉप। यहाँ पर आपको रीज़नेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी में स्टफ मिल जाएगा। जो घाघरा चोली मुझे चाहिए था मेरे लिए वो तो मुझे मिला नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने ना बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर ली। तो वो क्या शॉपिंग की वो मैं आपको होटल जाके दिखाऊंगी। उस दुकान से मैंने लड़कियों के लिए शॉपिंग की और इस शॉप से मैंने बॉयज़ के लिए शॉपिंग की। तो मेरी यहाँ से शॉपिंग पूरी होगी, अब मैं जा रही हूँ होटल रूम में। उससे पहले है ना मैं ब्रिजवासी से ब्रिजवासी के पेड़े लूँगी जो कि मैंने सुना है यहाँ के बहुत फेमस हैं। मैंने सोचा था कि मैं ब्रिजवासी से ना पेड़े लूँगी बट जो मेरा फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो गया, कैश मेरे पास कम था। बहुत बुरा लगता है समझा, तो मैंने जो पे करना था वो फ़ोन से करना था तो वो कैंसिल हो गया। अब मैं सीधा अपने होटल जा रही हूँ। तो मैं अपने होटल रूम पहुँच गई हूँ, तो चेंज करके अब मैं आपको सामान दिखाऊंगी जो मैंने आज थोड़ी बहुत शॉपिंग की। सबसे पहले तो मैंने ये स्कर्ट खरीदी, ऐसा घाघरा चोली, और ऐसी मैंने दो खरीदी हैं दो लड़कियों के लिए, ये और ये दो स्कर्ट, दो चोलियाँ खरीदनी हैं। वृंदावन में आपको दोनों जगह मिल जाएगी बट आपको जो प्राइस है और जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस मिलेगा। जैसे ऐसा कहते हैं ना कि अगर हाई प्राइस हो तो क्वालिटी वैसी हो, बट नहीं, वृंदावन की जो मैं शॉप्स चेक करके आई वहाँ पे प्राइस भी हाई थी एज़ कम्पेयर टू मथुरा, बट क्वालिटी है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मथुरा की जो क्वालिटी है वो अच्छी है और प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं प्रेफर करूँगी अगर आप आते हो तो वृंदावन की जगह आप मथुरा से परचेज़ कीजिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ से ये चीज़ अच्छी लगी। ये मैंने शू टाइप सॉक्स ये लिए अपने नेफ्यू के लिए, ये मुझे ऐसे तो वहाँ पे हमारे जम्मू में मिल जाती है बट मुझे सामने मिल गई तो मैंने परचेज कर ली। और मैंने ना ऐसे दो ढोल लिए हैं ये दो लड़कों के लिए। मुझे समझ नहीं आया था कि लड़कों के लिए क्या खरीदूँ, तो इसलिए मैंने ये दो ढोल खरीद लिए, बजाते रहेंगे हरे राम हरे कृष्णा चलते रहेंगे। तो मैंने इतनी ही शॉपिंग की है, अपने लिए मैंने कुछ नहीं खरीदा। हाँ, आप बार्गेनिंग कर सकते हो, ये आपको प्राइस बोलेंगे कि नहीं इतना है, पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो शॉपिंग में, आप बार्गेनिंग कर सकते हो ऑटो वालों के साथ, रिक्शा वालों के साथ आप बार्गेनिंग कर सकते हो, और बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बार्गेनिंग करना। आप बार्गेनिंग नहीं करोगे ना तो कसम से बोल रही हूँ आपको लूट लेंगे। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।